नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। इस वक्त नीट की परीक्षा में धांधली को लेकर कितना बवाल चल रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा 2024 में गड़बड़ी को लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस समेत सियासी पार्टियां नीट परीक्षा रद्द करने की मांग कर रही हैं। यही नहीं, उन्होंने एग्जाम के दौरान फर्जीवाड़े के आरोप लगाए हैं। इसके लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा है। वहीं यूपी में भी कई परीक्षाओं के साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए यूपी की योगी सरकार ने एक दमदार कदम उठाते हुए कई नियमों में बदलाव कर दिए हैं, जिसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि यूपी में आगे अब पेपर लीक या परीक्षा में धांधली के मामले कम आएंगे। देखिए ये रिपोर्ट और जानिए, जहां एक तरफ नीट की परीक्षा को लेकर चल रहा है बवाल, वहीं सीएम योगी ने कर दिया नए नियमों का ऐलान। भर्ती परीक्षा लीक मामले की घटनाएं आए दिन सुनने को मिल रही हैं। वहीं हाल ही में नीट और यूजीसी नेट परीक्षा लीक मामले की घटनाओं से परीक्षा एजेंसियों के ऊपर लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। यूपी में भी कई भर्ती परीक्षाओं के लीक का मामला उठा था। भर्ती परीक्षा पेपर लीक को रोकने और धांधली खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री सीएम योगी के निर्देश पर नई नीति जारी कर दी गई। सरकार की ये कोशिश है कि इस नीति को लागू करने के बाद परीक्षा लीक और इसमें धांधली की घटनाएं खत्म हो जाएंगी। नई नीति में परीक्षा केंद्र को 3 साल परीक्षा करने का अनुभव होना चाहिए। वहां जाने के लिए सड़कें के साथ यातायात के साधन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। जहां परीक्षा केंद्र बनाया जा रहा हो, उस भवन में बाउंड्री वॉल, पेयजल, शौचालय के साथ ही बिजली और जनरेटर की व्यवस्था भी होनी चाहिए। वहीं इन सभी केंद्रों में सीसीटीवी भी होना चाहिए। इन केंद्रों का चयन डीएम की अध्यक्षता में समिति बनाकर करना चाहिए। परीक्षा केंद्रों में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर और फोटो का मिलान किया जाएगा। वहीं हस्ताक्षर को स्कैन भी किया जाएगा। परीक्षा केंद्र में ही परीक्षार्थियों का बायोमेट्रिक आधार कार्ड का मिलान भी होगा। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। सभी परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्रों का आवंटन गृह मंडल से अलग किया जाएगा। प्रिंटिंग प्रेस चयन में पूरी तरह से गोपनीयता बरती जाएगी। यहाँ किसी भी व्यक्ति को मोबाइल ले जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। सभी आने जाने वालों की जांच की जाएगी। किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यहाँ प्रतिबंधित रहेगी। प्रेस के चारों ओर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। डीएम समिति बनाकर परीक्षा केंद्रों का चयन करेंगे। वहीं नई नीति के निर्देश के अनुसार ही परीक्षा केंद्रों का चयन किया जाएगा। श्रेणी ए में राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय डिग्री कॉलेज, राज्य व केंद्र के विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेज को शामिल किया गया है। श्रेणी बी में इसी श्रेणी के ख्याति प्राप्त सुविधा संपन्न एडेड स्कूलों को कॉलेजों को केंद्र बनाया जाएगा। काली सूची व विवादित स्कूल व कॉलेजों को केंद्र नहीं बनाया जाएगा। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश समेत देश भर में परीक्षाओं के पेपर लीक के मामले के बाद यूपी सरकार बेहद सख्त रुख अपना रही है। भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने से रोकने और धांधली खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नई नीति जारी कर दी गई है। प्रदेश में यूपी पुलिस भर्ती आरओ एआरओ पेपर लीक के अलावा टीजीटी पेपर लीक हो चुका है, जबकि नीट पीजी में अनियमितता के बाद यूजीसी नेट का एग्जाम भी पेपर लीक के बाद रद्द किया जा चुका है। ऐसे में सीएम योगी के लिए ये नई नीति न केवल जरूरी बल्कि मजबूरी भी है। फिलहाल इस क्षेत्र में उठाया गया ये कदम कितना काम आएगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।